हेलो एवरीवन, आज की रिपोर्ट में हम समझेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है या फिर इनमें कौन सा ऐसा ग्रुप होता है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, या फिर ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। हम इस रिपोर्ट के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ये रिपोर्ट में क्या हुआ है। इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम समझें तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए है और RHD टाइपिंग यानी कि RH फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है। RH एक रिसस नामक मंकी था जिसमें इसकी डिस्कवरी हुई RH फैक्टर की। इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन एंटीजन पाए जाते थे जिसमें डी एंटीजन था। डी एंटीजन जिस व्यक्ति में पाया जाता है उसे हम पॉजिटिव की कैटेगरी में रखते हैं और डी एंटीजन जिनमें नहीं पाया जाता उसे हम निगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें देखिए RHD टाइपिंग है यानी ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर डी नहीं होता तो हम इसे निगेटिव की कैटेगरी में रखते। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई, RHD यानी पॉजिटिव और RH तो यानी कि निगेटिव। अब इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपल समझ में आ गया होगा, ये है ए ग्रुप, ए पॉजिटिव ग्रुप, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कितने तरह के ग्रुप होते हैं। सबसे पहला होता है ए ग्रुप, दूसरा होता है बी ग्रुप, तीसरा होता है ए बी ग्रुप और चौथा होता है ओ ग्रुप। अब इसमें ए निगेटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है, बी निगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकते हैं और ऐसा कौन सा ग्रुप है जो किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। ये जो ब्लड ग्रुपिंग का जो डिस्कवरी हुआ है ये लैंडस्टीनर ने किया हुआ है और ये तकरीबन 1901 के आसपास हुआ था और उनको काफ़ी सारी मशक्कत करनी पड़ी थी जिसके बाद उनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। EB एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ब्लड लेने के बाद उसको रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें कोई रिएक्शन देखने को हमें नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं ऐसा कौन सा ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो इस ग्रुप का नाम होता है ग्रुप ओ। ग्रुप ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगर एंटीजन नहीं होगा तो इसमें भी रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं और इसके अंदर एंटीबॉडीज दोनों पाई जाती हैं, एंटी ए और एंटी वी दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं लेकिन एंटीजन नहीं होता है। सो आई होप ये वीडियो आपने अच्छे से समझ लिया होगा और ब्लड ग्रुपिंग आपको कैसे देखनी है इस वीडियो में आप सीख गए होंगे। ब्लड ग्रुप ए और RH पॉजिटिव है तो इस ब्लड रिपोर्ट में हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं ये एक पेशेंट के ए पॉजिटिव ब्लड रिपोर्ट है। सो हम फिर मिलते हैं किसी तरह के किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।